Hey everyone, welcome back to my new video. If you are 20 years old and want to become pro footballer in India, watch this video. Football career में आने वाले सभी problems की बात अब हम करेंगे इस video में. तो video start करते हैं. Video start करने से पहले मैं चाहूँगा, मैं request करूँगा आपसे कि आप channel को subscribe कर लो और bell icon को भी दबा देना ताकि मैं जब भी videos upload करूँ आप लोगों को मिल जाए. और video को like करना मत भूलना. चलिए start करते हैं. तो फ्रेंड्स, बहुत से लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स करते हैं कि मैं 23 इयर्स ओल्ड का हो गया हूँ, 20 इयर्स ओल्ड का हो गया हूँ, अब मैं क्या प्रोफेशनल प्लेयर बन सकता हूँ, मैं फुटबॉल करियर अपना बना सकता हूँ इंडिया में. तो उन सभी के लिए भाई मेरा एक ही आंसर है, वो है यस, आप ज़रूर बना सकते हो. अब बात करते हैं आप कैसे बना सकते हो. तो फ्रेंड्स, अगर आप 20 इयर्स ओल्ड के हो, आपने कभी ट्रेनिंग नहीं ली, आपने कभी टूर्नामेंट नहीं खेला, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना फुटबॉल करियर नहीं बना सकते हो. हाँ, बना सकते हो, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इफ़ यू आर 19 प्लस इयर्स ओल्ड, आप आई लीग नहीं खेल पाओगे, क्योंकि यहाँ पे एज मैटर करता है. और सीनियर टीम की तो सोचो मत, क्योंकि आप ट्रेन भी नहीं हो और आपकी एक्सपीरियंस भी नहीं है. तो अब यहाँ पे प्लान रेडी करना है. कैसे प्लान के पहले मैं आपको एक हैबिट सजेस्ट करूँगा जो आपके अंदर होना चाहिए एज अ प्लेयर. आप अपने पे इन्वेस्ट करना सीखो. इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? आपका टाइम, आपका एनर्जी, आपका माइंडसेट. आप अपना दिन का एक एक सेकंड आप अपने गोल के लिए दो, क्योंकि जितना इन्वेस्ट करोगे ग्रोथ उतनी जल्दी होगी. और एक रूल बनाओ अपने लाइफ में, नो रेस्ट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स. तो अब बात करते हैं प्लान की. तो नंबर वन प्लान ये है कि अगर आप 20 इयर्स ओल्ड के हो, आप स्टेट लेवल, इंडिया टीम या ISL खेलना चाहते हो, तो आपको ट्रेन तो मतलब प्रोफेशनल के लेवल पे होना ही पड़ेगा. लेकिन स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले आप जहाँ रहते हो उस एरिया में, मतलब एटलीस्ट 30 किलोमीटर के रेडियस में, आप पूरा जितने भी क्लब है जहाँ प्रैक्टिस होता है उसकी लिस्ट निकालो. जितने भी क्लब है जहाँ पे एज मैटर नहीं करता है, वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है प्लेयर्स को, लिस्ट निकालो. वहाँ के सभी प्लेयर्स को कॉन्टैक्ट करो, जो लोग वहाँ ट्रेनिंग करते हैं उनसे बात करो कि यहाँ पे कैसा प्रैक्टिस होता है, वीक में कितने दिन होता है, क्या रिस्पॉन्स है यहाँ पे, सब पता करो. इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट. आप इन्वेस्ट किए, आपको नॉलेज मिला. इसमें से जो सबसे अच्छा, सबसे सुटेबल होगा आपके लिए, उसमें आप ज्वाइन करो. अब मे भी हो सकता है कि वो 30 किलोमीटर दूर है, आप दिन में कैसे जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? आपका ड्रीम है तो क्यों नहीं जाओगे? लोकल ट्रेन्स होते हैं, बस से आप जा सकते हो, कर सकते हो. क्योंकि यहाँ पे मैंने जब ट्रेनिंग करता था तो वहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते थे. मेरा तो उतना दूर नहीं था, लेकिन और बाकी प्लेस बहुत दूर से आते थे लोकल ट्रेन पकड़ के, एक एक दो दो घंटा का सफ़र करके आते थे. नंबर टू पॉइंट है, आपका वीक में 3 या 4 दिन ट्रेनिंग हो रहा है और आपका जो टाइम लग रहा है पर डे, जिस दिन आप ट्रेनिंग करने जाते होगे उस दिन 3 से 4 घंटा, ठीक है, आपका जो टाइम बचता है. मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, एवरेज लोग क्या करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, फेसबुक, टीवी, इन सब में अपना टाइम वेस्ट करते हैं. उन सब के बजाय आप अपना माइंडसेट इंप्रूव करो कि मुझे फील्ड पे कैसा परफॉर्म करना है. अपने विजुअलाइजेशन से अपना गेम इंप्रूव करने की कोशिश करो. आप जो ट्रेनिंग करते हो उसको विजुअलाइज करो कि आप कहाँ गलती करते थे, क्या क्या चीज़ और ज़रूरी है आप लोग आपके फुटबॉल करियर में. तो ये सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. एक दिन में नहीं, दो दिन में नहीं, आपको लगातार करना पड़ेगा. क्योंकि आप जब भी किसी प्लेयर्स का बायोग्राफी पढ़ोगे डीप में जाके, तो आपको ये चीज़ मिलेगा ही मिलेगा कि विजुअलाइजेशन का कितना फ़ायदा है. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ कि इंडिया टीम में जाने का कुछ मतलब बहुत बड़ा आपके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. आपको एक सिंपल फ्रेश गेम प्ले आपके अंदर होना चाहिए. आपको नॉर्मल बेसिक पासिंग ड्रिल्स, बेसिक हेडर, बेसिक क्लियरेंस, बेसिक बॉडी टैकल्स, ये सब आपको आना ही चाहिए. तो ये सब आपको कैसे आएगा? ट्रेनिंग से आएगा. तो ये एक साल का अब जो बात कर रहे हैं, जो तीसरा नंबर जो बात है, क्या करना है? आप सुबह को जब ट्रेनिंग लेते हो, उसके बाद जो आपका समय बचता है, मैंने बोला विजुअलाइजेशन में इन्वेस्ट करो अपना टाइम. उसके बाद और क्या कर सकते हो? अपना फर्स्ट टच इम्प्रूव कर सकते हो, अपना ड्रिल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, बॉल कंट्रोल ड्रिल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, आपका वीक फुट को इम्प्रूव करने में टाइम दे सकते हो. मैदान में चले जाओ शाम को, वीक में 3 दिन स्टेमिना प्रैक्टिस करो, क्योंकि स्टेमिना प्रैक्टिस करोगे, स्टेमिना इम्प्रूव करोगे, तो फिर आपका एजिलिटी ट्रेनिंग में भी वो हेल्प होगा. एजिलिटी आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप एक फुटबॉल प्लेयर हो तो, ठीक है, क्योंकि इन सभी चीज़ को कुछ लोग नोटिस करते हैं कि हाँ वो बंदा इस टाइम पे, इस मोमेंट में उसका बॉडी रिएक्शन क्या था. तो फ्रेंड्स, नंबर 3 के लिए मैं यही कहूँगा कि आपके पास जो टाइम बचता है उसको आप बॉल कंट्रोल ड्रिल्स के लिए दो, स्टेमिना इंप्रूव करने के लिए दो, या फिर फर्स्ट टच इंप्रूव करने के लिए दो, शूटिंग ड्रिल्स के लिए दो, इन सब चीज़ को, क्योंकि ये सब आपका रॉ स्किल्स है जो आपको मतलब रेगुलर फील्ड पे यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आप एक प्लेयर हो ही नहीं.
तो इन सबको अगर इम्प्रूव करते हो और एक साल तक अगर आप इसको एकदम परफेक्टली ध्यान में मॉनिटर करते हुए अगर आप करते हो, तो कौन बोलता है कि आप एक प्रोफेशनल प्लेयर नहीं बन पाओगे? आप बताओ किसको इंडिया में अच्छे प्लेयर्स की बहुत ज़रूरत है और कौन नहीं लेगा आपको? आप रोज़ ट्रेनिंग कर रहे हो सुबह शाम एक साल तक कोई भी फालतू काम नहीं, तो कौन बोलता है कि आप इम्प्रूव नहीं करोगे? 20 ईयर्स ओल्ड में थे कि आप बॉल रिसीव नहीं हो रहा, एक साल कंटिन्यू बॉल रिसीविंग का प्रैक्टिस या फिर और कुछ भी जितना भी आपका प्रॉब्लम है अगर आप कर रहे हो, तो कौन बोलता है कि आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे? 21 में आप एक अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर बन चुके हो। अब यहाँ पे कैसे आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है? एकदम छोटे से छोटे क्लब में आपको अपना कॉन्टैक्ट बनाना है, एकदम जो कि डिवीज़न 1 खेलता हो, फर्स्ट डिवीज़न खेलता हो, वहाँ पे जाना है, कोचेस को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करना है, ट्रायल्स का पता करना है कि कब ट्रायल्स ले रहे हैं, कॉन्टैक्ट करो। क्लब में भी ट्रेनिंग कर रहे थे उस दौरान आप लोकल टूर्नामेंट्स खेलो, जहाँ क्लब में प्रैक्टिस कर रहे थे उन क्लब के जो आपके जो प्लेयर्स लोग फ्रेंड्स हैं उनको लेके आप दूसरे जगह जाके मैच खेलो, फ्रेंडली मैच खेलो, कोई पैसा का इन्वेस्ट भी नहीं है यहाँ पे, फ्रेंडली मैच खेलो। इससे क्या होगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप एक साल में आप अपने आप को कहीं और पाओगे, अगर आप देख रहे हो, अगर मेरे बात को आप समझ पा रहे हो तो, क्योंकि मैंने ऐसे किया था इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा लिस्ट अपना देखो कि आप एक साल में कितना चीज़ को इम्प्रूव कर ले रहे हो, जैसे कि आप टीम में कैसे परफॉर्म करना है, 11 साइड का नॉलेज हो जाएगा आपको, स्टेमिना इम्प्रूव हो जाएगा, आपका बॉल कंट्रोल इम्प्रूव हो जाएगा, आपका विज़न अच्छा हो जाएगा। सोचिए सिर्फ एक साल में अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो जैसा कि मैंने अभी बताया वीडियो में। ये तो हुआ एक बात कि आपका करियर स्टार्ट कैसे करें, एक साल के बाद आप कहाँ अपने आप को ले जा पाओगे। अभी इसमें बहुत सारा है, हर जगह एक प्रोसेस है, आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे कि आप फर्स्ट डिवीज़न में चले गए, बाई चांस वहाँ आपको नहीं मिला, तब आप क्या करोगे? सभी क्वेश्चंस का आंसर है मेरे पास, सभी का फ्रेमवर्क बनाया हुआ है मेरे पास, इसीलिए मैंने 20 वीडियोस का सीरीज़ बनाया, क्योंकि सभी वीडियोस को मैं यूट्यूब पे डाल नहीं सकता और वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने 20 वीडियोस का सीरीज़ बनाया आप लोगों के लिए कि जिनको सच में नीडेड है, सच में मतलब वो अपना परफॉर्मेंस को अच्छा करना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम से गुजर रहे वो अपना ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो वो उस वीडियो को लें। उस वीडियो को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे जस्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज करना पड़ेगा कि हाँ मुझे वो वीडियो चाहिए, नाम, अपना फ़ोन नंबर और कौन से स्टेट से हो, बस एज बता दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो का प्राइस ज़्यादा नहीं है, बस 300 रुपीज़ में आपको वो 20 वीडियोज़ मिल रहे हैं, क्योंकि मेरा अकेले का उसमें मेहनत नहीं है, मेरे साथ पूरे टीम थे, तो इसलिए मैंने उस वीडियो का प्राइस रखा, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत है। और यूट्यूब वीडियोज़ में आपको जैसे अभी देते आ रहे हो हेल्पफुल वीडियोज़, तो आपको वो हमेशा मिलते रहेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना मत भूलना, मैं इसमें जो बताया हूँ आपको एक साल करके देखना है, 100% इम्प्रूवमेंट होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling